कोरोना के खिलाफ जंग में अभी भगवान के रूप में कोई है तो वो है डॉक्टर। कोरोना के खिलाफ इस जंग में जहां आम जनता से अपने घरों में रहकर साथ देने की अपील की जा रही है, तो वहीं कुछ ऐसे चिकित्सक भी हैं जिन्होंने इस लड़ाई में तन मन धन से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये चिकित्सक पीड़ित लोगों के घर घर जाकर अपनी सेवाएं देने में लगे। इतना ही नहीं, इस चिकित्सक ने अपनी वेतन से 1 लाख का योगदान कोरोना की लड़ाई को लड़ने में किया है। आपको ये भी बता दें कि शामली में पहला ठीक होने वाला कोरोना से पीड़ित शाहनवाज की देखरेख भी इन्हीं डॉक्टर ने की थी। शाहनवाज ने ठीक होने के बाद घर जाते वक्त डॉक्टर विजेंद्र और उनकी टीम का शुक्रिया अदा भी किया था। डॉक्टर विजेंद्र ने अपने 1 माह की तनख्वाह दान कर दी। 1 लाख से ज्यादा रुपए से इन्होंने पुलिस वालों को सैनिटाइजर, मास्क और यहाँ तक की कम्युनिटी किचन के लिए बर्तन भी दान किए। मैं जनता के दिए हुए टैक्स से ही सैलरी पा रहा हूँ। इस महामारी से बचाव के लिए थोड़ा सा मेरा योगदान मैं भी कर दिया है। मैंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैनिटाइजर एवं मास्क के लिए एवं कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए पुलिस वाले, पत्रकार एवं गरीब जनता के लिए प्रदान कराऊंगा। मैंने ये अपनी तनख्वाह से जो भी जितने भी लोग सैनिटाइजर और मास्क से मोहताज रह गए हैं या नहीं मिल पाए हैं, उन लोगों को मैं कराऊंगा। ये धनराशि मैं आगे बढ़ा भी सकता हूँ। मैंने 1,08,000 रुपये की मेरी तनख्वाह थी वो अभी रखी है, उसमें के मैंने 22,000 के मास्क, सैनिटाइज़र आज पुलिस वालों को, सभी पुलिस वालों को एडिशनल SP साहब के साथ मिल के बाँटे हैं। और 17,000 की क्रोकरी मैंने कम्युनिटी किचन को दी है। बाकी जो पैसा बचा है या उसके मास्क कल मैं बांटूंगा। और ऐसे ही जब तक वो पैसा नहीं ख़त्म होगा तब तक मैं वो पैसा खर्च करता रहूँगा। अभी तक मैंने सैनिटाइज़र एवं मास्क बांटे हैं, वो भी पुलिस वालों को बांटे हैं। और कुछ बीच में जो जनता मिली, सड़क पे जनता कम थी, गरीब जनता मिली, या फिर वो मिले जो लोग मांगने खाने वाले थे, इस तरह के, उन लोगों को मैंने सैनिटाइज़र और मास्क दिया ताकि वो भी सुरक्षित रहे। मैं यही संदेश दूंगा कि भारत सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी द्वारा जो लॉकडाउन के लिए बोला जा रहा है, अपने घरों में रहें, क्योंकि एक यही बचाव है कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। बाकी हम चिकित्सक हर समय देश के साथ खड़े हैं, दिलों और जान से हर तरह से हम देश की जनता की सेवा में लगे रहेंगे। मैं क्वारंटाइन वार्ड का ऑन कॉल डॉक्टर हूँ। जिसको भी सिम्टम आएंगे उस मरीज को मैं ट्रीटमेंट देने के लिए जाऊंगा। मेरे अंडर में मिस्टर शाहनवाज, जो पॉजिटिव केस 24 तारीख को भर्ती हुआ था, लेकिन उसको 14-15 दिन बाद हमने डिस्चार्ज कर दिया। वह स्वस्थ था, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ ट्रीटमेंट दिया गया है। कुछ एम्पारिकल थेरेपी मेरे जो मैंने जो डिसाइड किए थे वो दी है, और कुछ फ्रेज के द्वारा स्पेशल डाइट का चार्ट मैंने बनाया था, वो चार्ट एवं अन्य कुछ मेरे जो एम्पायरिकल थेरेपी बोलते हैं, जिसको डॉक्टर अपनी दिमाग या स्वेच्छा या अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करता है, मैंने वो सब ट्रीटमेंट में इंक्लूड किया। शामली में शाहनवाज नाम का जब पहला कोरोना का मरीज आया, तब उनकी देखरेख में विजेंद्र नाम के इन्हीं चिकित्सक को ही लगाया गया था। जिस साहस के साथ इस चिकित्सक ने उस मरीज को न केवल इस बीमारी से निकाला, बल्कि उसे उसके परिवार को डिप्रेशन से भी बाहर निकालने में मदद की। आपको यहाँ ये भी बता दें कि शामली में करीब 11 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। चिकित्सक विजेंद्र इन मरीजों की देखभाल में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ तक कि इन कोरोना संक्रमित लोगों से जो लोग मिले हैं, उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजना और काउंसलिंग के द्वारा उनका साहस बनाए रखना, इस कार्य में विजेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने ये तो सुना था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर भगवान के रूप में आकर उसकी जान बचाता है। लेकिन ये तस्वीर आज हमने देख भी ली डॉक्टर विजेंद्र सिंह के रूप में। इस डॉक्टर को हमारा सलाम। शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट।